रिकॉर्डिंग यस ओके रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया राइट सो दोस्तों वेरी 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 गुड मॉर्निंग वंस अगेन एंड मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूं कि प्रोस्पेक्टिंग सो द सीरीज व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट जो सीरीज हम लोग बात कर रहे थे यू कैन सी दैट इट स्टार्ट्स फ्रॉम ड्रीम्स एंड गोज टू लिस्ट मेकिंग एंड सिलेक्शन प्रवीण जी माय वॉइस इज क्लियर यस सर Absolutely. Yes, thank you very much. So, हम लोग शुरू कर चुके हैं dreams से लेकर and next we have come into list making and selection. तो dreams के बारे में हम लोगों ने बात किया था. मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा the quadrant, cash flow quadrant and what should be the dream. आपका dream जो है, it should be aligned with the thought process of moving left quadrant से right में जाने का dream आपका होना चाहिए. मैंने आपको ये बताया था और थोड़ा सा उसके बारे में हम लोगों ने बात किया 3 weeks ago in the week number 332 and 333 we discussed about the importance of list making. क्यों मुझे list बनाना है और list बनाने से क्या होगा उसके बारे में we had a discussion and going in the same series whoever is attending I think you will have the knowledge aligned you know organized knowledge is called as wisdom so you will have the organized knowledge about the industry so now we are talking about prospecting jo bahut hi ek special part of your business so chaliye main aapko aaj main batana chahunga prospecting is a very very important part of your entire business main aapko bataunga agar is चीज को अगर आप ठीक से कर पाएंगे यू हैव ऑलरेडी डन द थिंग्स वेरी वेल लेट मी टेल यू सेल्स क्लोजिंग इज अ प्रोसेस प्लीज रिमेंबर दिस प्लीज राइट इट डाउन इफ यू वॉन्ट सेल्स क्लोजिंग इज अ प्रोसेस अदरवाइज यू कैन टॉक राइट डाउन एज सेल इज अ प्रोसेस सेल इज अ प्रोसेस ओके सेलिंग इज अ प्रोसेस और सेल्स क्लोजिंग इज अ प्रोसेस सो when you, we are not here behind becoming salesmen of course you should have the attitude of selling it yahan par to network marketing ke andar kya hota hai if it is the product of course there is a real selling involved but if it is the opportunity it is the passive selling hum log passive selling karte hain to jo bhi hai sale hai business man has to be a salesman business woman has to be a saleswoman so selling should be a part of us or सेलिंग जो आता है वी आर हैविंग द लास्ट सब्जेक्ट एज सेलिंग स्किल बिकॉज दैट विल समराइज द एंटायर प्रोसेस जो यहां पर हम लोग सीखने वाले हैं इसका क्या बोल सकते हैं एक विश्व रूप मैं कह सकता हूं दैट इज सेलिंग स्किल्स सो दैट इज द रीजन वी हैव केप्ट द सेलिंग स्किल्स हम लोगों ने उसको लास्ट में वीक नंबर यू नो 13 दैट इज 345 वीक में हम लोग बात करेंगे सेप्टेंबर में अबाउट सेलिंग स्किल्स सो द सेलिंग इज सेल्स इज एक्चुअली अ प्रोसेस और इस प्रोसेस को हम लोग शुरू करते हैं राइट फ्रॉम प्रोस्पेक्टिंग सेल्स एक प्रोसेस है जो खत्म होता है फॉलो अप के बाद सेल्स क्लोजिंग होता है इट एंड्स देयर द सेल्स कंप्लीट्स आफ्टर द फॉलो अप लेकिन उसकी शुरुआत अनजाने में प्रोस्पेक्टिंग से ही शुरू हो जाता है So, you have to keep one thing in mind. Maximum लोग कहते हैं कि सर मैं बहुत लोगों को अप्रोच कर चुका हूं लेकिन मुझे सेल्स क्लोजिंग नहीं हो रहा है आई एम अनेबल टू डू द सेल्स क्लोजिंग तो मैं आप लोगों को बताता हूं बिकॉज प्रोस्पेक्टिंग अगर बढ़िया नहीं किया आपने अगर प्रोस्पेक्टिंग में अगर इफ यू आर नॉट वेरी इफेक्टिव इट विल अफेक्ट यूर सेल्स क्लोजिंग आपका प्रोस्पेक्टिंग अगर बढ़िया होता तो आपका सेल्स क्लोजिंग बहुत आसान हो जाता मैं आपको बताता हूं एफर्टलेस सेल्स क्लोजिंग इज पॉसिबल विथ एफेक्टिव प्रोस्पेक्टिंग प्लीज राइट इट डाउन एफर्टलेस सेल्स क्लोजिंग इज पॉसिबल विथ एफेक्टिव प्रोस्पेक्टिंग इसका मतलब मैं आपको हिंदी में बताऊंगा अगर आप प्रोस्पेक्टिंग के अंदर अपना थोड़ा सा ध्यान दिया अपना थोड़ा सा मेहनत अगर आपने किया प्रोस्पेक्टिंग के अंदर प्रोस्पेक्टिंग जो है आपने किया है वो आपका जो सेल्स क्लोजिंग जो होता है उस पर बढ़िया काम आता है यदि आपने प्रोस्पेक्टिंग बहुत बढ़िया तरीके से नहीं किया तो वो असर पड़ेगा आपकी सेल्स क्लोजिंग पर सो नाउ यू गॉट द आइडिया एवरीथिंग इज कनेक्टेड माय डियर फ्रेंड्स एवरीथिंग इज कनेक्टेड तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट डू नॉट नेवर एवर प्रेजेंट द प्लान टू समबडी विदाउट अ प्रिपरेशन सो चलिए मैं आपको अब स्लाइड के अंदर लेकर जाना चाहता हूं लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ प्रोस्पेक्टिंग Okay, so first point what we learned today, sales
is a process. Do not tell me that I'm not getting sales. If you're not getting sales, आपका दबाव जो है, आपका प्रेशर जो है बढ़ जाता है. इफ यू आर नॉट गेटिंग सेल्स, अरे आई एम डूइंग दिस, आई एम मेकिंग लिस्ट, आई एम सेलेक्टिंग पीपल, आई एम नॉट गेटिंग सेल्स. सो इफ यू आर नॉट गेटिंग सेल्स, डू नॉट हिट इट हियर. इफ यू आर नॉट गेटिंग सेल्स, गो बैक, गो बैक, गो बैक. इट्स नॉट अबाउट द प्रेजेंटेशन. जितना भी बढ़िया प्रेजेंटेशन आप ब्लैक डायमंड को भी लेकर आके प्लान दिखाएंगे तो भी सेल्स क्लोजिंग पर असर पड़ेगा अगर आपका प्रिपरेशन बढ़िया नहीं है. Let me tell you, if your preparation is poor, even if the black diamond gives the plan presentation, even a crorepati comes and shows the one-to-one presentation or the plan presentation in a webathon, in a Zoom VOP, toh bhi aapka closing nahin ho sakta hai, sambhavna bahut kam hai, kyunki your prospecting was not good. यदि if you can change this a little bit, this perception, और अगर prospecting में अगर आप ज्यादा मेहनत करेंगे, if you can put more efforts and more time and more focus into prospecting, even a new person, I'm telling you the word, remember this, आपको black diamond का presentation नहीं चाहिए, आपको executive diamond का presentation नहीं चाहिए, एक star distributor या star 250 भी अगर presentation देता है तो क्लोजिंग पक्का हो सकता है. बिकॉज द क्लोजिंग इज डिपेंडेंट अपॉन यू एंड यूर प्रीवियस प्रिपरेशन, दैट इज कॉल्ड एज प्रोस्पेक्टिंग. एंड सबसे पहले व्हाट इज प्रोस्पेक्टिंग, लेट्स गो लिटिल बिट इनटू इट. आज प्रोस्पेक्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग. प्रोस्पेक्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग. Prospecting is the first step in the sales process. Remember this. This is what is the expert's definition about prospecting. Prospecting is the first step in the sales process, which consists of जिसके अंदर sales closing, sales जो होता है उस process का first पहला कदम होता है prospecting. And इसके अंदर क्या क्या होता है, which consists of identifying potential customer. अब मैं आपको इसका थोड़ा सा, I want to take you back to yesterday's post which I had made. Praveen ji, do you remember yesterday night I had shared a piece of post what I had done on the Facebook? Do you remember that, Praveen ji? Are you there, Praveen ji, with me? Yes, Praveen ji is there with us. One second, I'll just take it to you. Yes. So yesterday, my dear friends, I made... Praveen ji, what are you seeing on the screen, on my screen? Slide is there. Slide is there, right? Okay, that is the... Okay, one second. Praveen ji, do you remember yesterday I had made a post? Yeah, this one, no? That don't look for someone with a lot of contacts. Yes. Now I'm connecting to the point. Yeah. Look for some with a lot of green. Yes. Okay. Thank you, Praveen ji. Thank you for sharing that. So, दोस्तों, कल मैंने एक पोस्ट किया था. मैं अभी उस पोस्ट के सामने पोस्ट को आपके सामने रखना चाहूंगा. हम उस पोस्ट के अंदर जाएंगे अभी थोड़ा सा. Yes. So this is the post. So Praveen ji, can you see the screen? Not it, sir. One second, Praveen ji. You're on the spotlight. Now can you see the screen? Yes. So दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने एक बहुत अच्छा सा पोस्ट किया था कल. You can just see this. It says that don't look for someone with a lot of contacts, rather look for someone with a lot of dreams. Lot of dreams. तो इसका मतलब who is your potential customer? अगर हम देखेंगे तो आई कॉफी, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द वर्चुअल, द रियल प्रोडक्ट, ये जो क्या बोल सकते हैं हम लोग, द फिजिकल प्रोडक्ट, जैसे अभिलाषी लैंग्वेज, दिस इज अ फिजिकल प्रोडक्ट. ओके, सो फिजिकल प्रोडक्ट डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस. मैं आपको दूसरा जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी जिनको आप देना चाहते हैं, बिकॉज दिस फिजिकल प्रोडक्ट हूएवर इज बाइंग इज कॉल्ड एज अ कस्टमर. सो पोटेंशियल कस्टमर फॉर ऑल अवर प्रोडक्ट्स, वेलनेस प्रोडक्ट्स, उसका तो आपको 100% पता है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ ह्यूज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस बिहाइंड अवर प्रोडक्ट. केवाईपी में हम लोग बात करते हैं, शायद आई थिंक यस्टरडे वाज केवाईपी. प्रवीण जी, यस्टरडे वाज केवाईपी, तो वहां पर हम लोग बात करते हैं. लेकिन हियर द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू प्रेजेंट हियर इज, फ्रेंड्स,
आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल कस्टमर, ये आपका एक प्रोसेस है. प्रोस्पेक्टिंग जब हम कहते हैं उसका मैं डिटेल आपको दे रहा हूं यहां पर. तो प्रोस्पेक्टिंग इज द फर्स्ट स्टेप, वो एक पहला कदम है सेल्स प्रोसेस के अंदर, जिसके अंदर वी आइडेंटिफाई पोटेंशियल कस्टमर्स. तो योर पोटेंशियल कस्टमर्स आर नॉट पीपल विथ ह्यूज कॉन्टैक्ट्स, दे आर पीपल विथ ह्यूज ड्रीम्स, लॉट ऑफ ड्रीम्स, लॉट ऑफ स्ट्रॉन्ग रीजंस, अ बिगर पर्पस. द बिगर पर्पस पीपल दोज हू आर हैविंग, दे विल बी योर पोटेंशियल कस्टमर्स. इन दिस सिनेरियो फॉर अस इट इज प्रोस्पेक्ट्स. हम लोग प्रोस्पेक्ट्स कहते हैं. कस्टमर का मतलब जिनको कोई प्रोडक्ट दिया जाता है उनको हम लोग कस्टमर कहते हैं. यहां पर वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट समबडी हु कैन बिकम अवर बिजनेस पार्टनर, बिजनेस एसोसिएट. सो पोटेंशियल कस्टमर अका प्रोस्पेक्ट मीन्स. ऑल्सो देर इज अनदर वर्ड फॉर दैट, दैट इज प्रोस्पेक्ट. द गोल ऑफ प्रोस्पेक्टिंग, आपका प्रोस्पेक्टिंग जो है वो उसका लक्ष्य, उसका फाइनल मकसद क्या होना चाहिए आपका, आपका वो होना चाहिए कि द गोल ऑफ प्रोस्पेक्टिंग इज टू डेवलप अ डेटा बेस ऑफ लाइकली कस्टमर. मतलब जो फ्यूचर में हमें कस्टमर जो बन सकते हैं हमारे हमारे जो बिजनेस पार्टनर या एसोसिएट बन सकते हैं, इट इज टू डेवलप अ डेटा बेस. हमारे पास एक डेटा बेस होना चाहिए. ऐसे नहीं कि मैं किसी को ऐसे ही मिल गया रस्ते पे और वैसे ही वहीं पर प्रेजेंटेशन देना शुरू कर दिया. नो, that is for selling some product, it is okay. For example, मैं बस में जा रहा था, मेरे बगल में एक आदमी बैठा था जिनके पापा जो है उनके लिए उनका डायबिटीज बहुत हाई लेवल है, शुगर लेवल्स, तो उनको मैं आई कॉफी सेल करूंगा तो नो प्रॉब्लम, बिकॉज द प्रोस्पेक्ट और द कस्टमर वॉज ऑलरेडी रेडी. द कस्टमर वॉज ऑलरेडी रेडी इस प्रोडक्ट के लिए या आई चार्ज के लिए, आई पल्स के लिए. यू कैन डू इमीडिएट कोल्ड कॉलिंग एंड अप्रोचिंग अननोन पीपल, अनजान व्यक्तियों को भी हम लोग अप्रोच कर सकते हैं. हमारा जो फिजिकल प्रोडक्ट है आई पल्स, आई कॉफी, आई स्लिम, आई चार्ज, आई ग्लो एंड आई वेद, इन प्रोडक्ट्स के लिए आप डायरेक्टली लोगों को अप्रोच कर सकते हैं. देर इज नो प्रॉब्लम, बिकॉज वो प्रोडक्ट जो है उसको हम लोग एक कस्टमर को देते हैं. व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द बिजनेस, जो हम लोग बिजनेस अपॉर्चुनिटी किसी को देते हैं, उसके अंदर यू नीड टू हैव अ प्रोसेस. एंड आपका जो गोल जो होना है, प्रोस्पेक्टिंग का गोल इज टू डेवलप अ डेटाबेस ऑफ लाइकली कस्टमर, जो हमारे साथी बन सकते हैं फ्यूचर में, उनका एक डेटाबेस हमारे पास होना चाहिए और बैकग्राउंड में प्रोसेस जारी रहना चाहिए. एंड देन सिस्टमैटिकली कम्युनिकेट, सी द वर्ड, and then systematically communicate with them in the hopes of converting them into from a potential customer to a current customer. Yahan par words are used as a customer, lekin hum log a potential prospect or suspect into a current prospect. Okay, so this is the idea behind the process of discovering the prospect. So, फिर से मैं आपको ये बताना चाहूंगा, prospecting is the first step in the sales closing, which consists of identifying potential customer or prospects, or the goal of prospecting is to develop a database of likely customers and then systematically communicate. ये बहुत important है, systematically हम communicate करना चाहिए. शायद आई कॉफी के बारे में, आई पल्स के बारे में डायरेक्टली आप बोल सकते हैं, एक नायकम, असाई बेरी, आई स्लिम, ये सब कुछ आप कह सकते हैं. किसी प्रोडक्ट लेने का जो कस्टमर होते हैं उनको आप डायरेक्टली बता सकते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू योर बिजनेस एसोसिएट, जिनको आप डिस्ट्रीब्यूटर बनाना चाहते हैं, यू हैव टू हैव ए सिस्टमैटिक, यू नो, यू हैव टू हैव ए सिस्टमैटिक कम्युनिकेशन. यू हैव टू सिस्टमैटिकली कम्युनिकेट विद देम इन द होप्स ऑफ कन्वर्टिंग देम from a potential, you know, customer. Today, आज का जो suspect है, वो कल का prospect बनेगा और परसों वो हमारा distributor बनता है. Every suspect is becoming a prospect and getting converted into a distributor. Suspect, prospect, distributor. Suspect का मतलब जिसके ऊपर हम ये check कर रहे हैं कि क्या ये बंदा हमारे business के लिए suitable है, मेरे साथ business associate बनने के लिए suitable है. How we check that? Okay? So that's about prospecting. The original meaning of prospecting is, देखिए यहाँ पर बहुत ही बढ़िया एक definition मैं आपको देना चाहूँगा. The original meaning of prospecting is, मतलब एंशियंटली, मतलब जो प्राचीन काल से प्रोस्पेक्टिंग जो शब्द होता है उसका असली मीनिंग आपको यहां पर मैं बताना चाहता हूं. द ओरिजिनल मीनिंग ऑफ प्रोस्पेक्टिंग इज द सर्च ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स और गोल्ड माइन.
गोल्ड माइनिंग. तो गोल्ड माइनिंग जो होता है उसका जो रिसर्च, उसका खोज जो होता है उसको हम लोग प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं. इन दिस केस प्रोस्पेक्टर्स आर पीपल हु सर्च फॉर गोल्ड, identifying places where it can be found. Once discovered, they sit by the river and check mounds of dirt for just few specks of gold. Bahut hi badhiya definition hai ye. So Praveen ji, I think you remember Shiv Kera's statement here, dealing with people is like looking for gold. Logon ke saath vyavahar karna, iska matlab ye hai ki jaise hum sone ke liye, sona jo hota hai gold, uski khoj jo karte hain waise hai. Wo kehte hain hame kuch ounces of gold, bahut hi kam gold paane ke liye tons of garbage hame nikalna padta hai. You know, dealing with people is like looking for gold. To find ounce of gold, you need to remove tons of garbage. So, har vyakti ko, I believe, gold mine. Yeah, yesterday our CEO was talking, RTP ke andar our CEO was talking about the Saudi Arabia story, jiske andar जो लोग थे वहां पर अरब्स उनके उनकी जमीन पर जहां पर वो थे उसके अंदर देर वॉज अ ऑयल मिल, ऑयल वॉज देयर, ऑयल टैंक वॉज देयर. उनको खुद पता नहीं था, कोई और बाहर से आया उसको पता लगाया. फिर ये सऊदी और ये मिडिल ईस्ट के लोग, अरब्स लोग बहुत ही अमीर बन गए. मतलब उनकी परिस्थिति ऐसे थी एक जमाने में कि उनको दूसरों से कुछ मांगना था. जो इंडिया से जो मर्चेंट्स, गुजराती ट्रेड्समैन जो इधर से जाते थे इंडिया से, उनके कुछ फ्री गिफ्ट्स एंड गिव अवे के लिए वो लोग वेट कर रहे थे एक जमाने में, क्योंकि उनको खुद पता नहीं था हम जिस जमीन पर खड़े हैं इट इज अ गोल्ड माइन. मतलब इट्स अ ऑयल इज देयर बिलो दैट. अभी उसका पता लगाने के बाद पूरा मिडिल ईस्ट का जो नतीजा है वो बदल चुका है. सो दैट्स द स्टोरी ऑफ सऊदी अरेबिया. द सेम वे मुझे लगता है every human being is prepared for a greater purpose. Every human being is prepared for a greater purpose. और उसकी जिंदगी का जो मकसद है, उसका जो purpose होता है, उसके लिए तैयारी शायद उसके जन्म से पहले से ही होता है. जैसे we have heard from Bhagavad Gita, we have heard Mahabharata story, Krishna was born with a purpose of killing Kans, जो होता है उसका जो अंकल, क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, मामा, उसका जो मामा जो होता है. So Kans was a very atrocious ruler. उसको खत्म करने के लिए कृष्ण को जन्म लेना पड़ा. और हम लोगों ने रामायण में ये पढ़ा है कि रावण को हंत करने के लिए राम का जन्म. So, if you see the Bible, that was the time when the Jews were waiting for a savior. So, every human being born on this world, हर एक आदमी का जो जन्म होता है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा एक कारण होता है. There is a purpose which is there. So, हमें क्या करना चाहिए? मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ. This is very, very interesting. Very interesting. आज के बाद, you are a gold mine hunting person. आपका दिमाग ऐसा होना चाहिए, मैं गोल्ड माइन के तलाश में हूं, गोल्ड माइन के तलाश. एंड गोल्ड माइन का मतलब ये नहीं बोल रहा हूं कि द रियल गोल्ड जो जमीन में खोजना पड़ता है, माइनिंग करना पड़ता है, वैसे नहीं बोल रहा हूं. इंसान जो होते हैं, लोग जो होते हैं, उनके अंदर देयर इज अ डिपॉजिट ऑफ गोल्ड. हर व्यक्ति के अंदर वो गोल्ड डिपॉजिट है अंदर, उसके अंदर वो पोटेंशियल है. दैट इज द लाइफ पर्पस ऑफ दैट इंडिविजुअल. उस व्यक्ति का जिंदगी का मकसद होता है. सो हमें क्या करना चाहिए? योर जॉब इज टू गो एंड नॉक एट एवरी डोर. यू हैव टू नॉक एट एवरी डोर. आज के बाद आपका एटीट्यूड लोगों को पकड़ने का काम नहीं है. हमारा काम लोगों के पीछे पड़ना, मेंबर बनाने वाला, और लोगों को किसी भी तरह से, मतलब क्या बोलते हैं हम लोग, किसी भी एक षड्यंत्र रचा कर लोगों को फंसाने का जो काम हो है, वैसे काम नहीं है हमारा. हमारा काम ये होना चाहिए, हम सब लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दें. We will give an opportunity to every person. Praveen ji, can you hear me? Yes, sir. Yes, okay. So, hum har vyakti ko ek opportunity denge aur
उस अपॉर्चुनिटी देने का जो प्रोसेस होता है, उस अपॉर्चुनिटी को उसके सामने पेश करने से पहले उसको स्वीकार करने का, स्वीकार करने के लिए उस व्यक्ति को हम लोग तैयार करेंगे. वी विल प्रिपेयर दैट पर्सन टू रिसीव द अपॉर्चुनिटी बिफोर वी प्रेजेंट द अपॉर्चुनिटी टू दैट पर्सन. सो दिस इज इन द व्हाट यू कॉल द प्रोसेस. लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में, बिहाइंड योर माइंड, आपका एक एक सोच होना चाहिए, आई एम हेल्पिंग दिस पर्सन टू डिस्कवर हिज और हर गोल्ड माइन. लोगों के अंदर बहुत कारण है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बहुत ही मामूली मिडिल क्लास फैमिली में आपने जन्म लिया है, इसका कारण है आपको तैयार किया जा रहा है अपने फ्यूचर में कुछ बढ़िया बनने के लिए, कुछ बढ़िया बनने के लिए. सो आपके लाइफ में जो भी प्रोसेस है, स्टीव जॉब्स का एक बहुत ही फेमस स्पीच है, आप लोग सुने होंगे. ही स्पोक इन वन यूनिवर्सिटी और स्टीव जॉब्स ने ये कहा कि एवरीथिंग इज कनेक्टेड. आपके लाइफ में जो जो हुआ है, जितने भी लोग आपके साथ मिल चुके हैं आज तक, जिन लोगों से आप मिल चुके हैं, जितने भी लोगों को आप जानते हैं, हर एक व्यक्ति का पर्पस है. देयर इज अ रीजन. सर मैं दिल्ली में क्यों जन्म लिया, मुझे असम में जन्म लेना था. सर मेरा जन्म असम में क्यों हुआ, मेरा क्यों अमेरिका में नहीं हुआ. सर मैं इंडिया में क्यों जन्म लिया, मुझे तो किसी डेवलप कंट्री में जन्म लेना चाहिए. तो हर एक व्यक्ति का जन्म के पीछे एक राज है. देयर इज अ रीजन. एवरी ह्यूमन बीइंग इज हैविंग एक पर्पस. और आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर्पस को उस पर्पस को पहचानना पड़ेगा और लोगों को अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा, और उसके लिए यू आर प्रिपेयरिंग दैट पर्सन. सो सेल्स क्लोजिंग इज अ प्रोसेस इन विच यू आर गोइंग टू प्रेजेंट द ब्यूटीफुल प्लान, एंड उस प्लान को रिसीव करने के लिए उस व्यक्ति को हम लोग तैयार कर रहे हैं. दैट इज द प्रोसेस. एंड वेल बिगन इज हाफ डन. तो प्रोस्पेक्टिंग जब हम करते हैं, वी हैव टू कीप फ्यू थिंग्स इन माइंड. उस व्यक्ति को दोस्तों मुझे, मैं खुद डिस्कनेक्ट हो गया और मुझे खुद अंदर आने में 5 मिनट लगा. सॉरी फॉर दैट. सो वेलकम बैक फ्रेंड्स. थैंक यू. देखिए अभी टेक्नोलॉजी का कमाल देखिए, मुझे खुद मेरे रूम के अंदर आने के लिए मुझे खुद वेट करना पड़ा. राइट. सो फ्रेंड्स, सो व्हाट आई वाज टेलिंग यू इज, हमें लोगों को बिजनेस प्लान दिखाने से पहले, बिजनेस प्लान रिसीव करने के लिए उनको रेडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड जो एक प्रोसेस होता है अपने आप के अंदर. राइट. सो व्हाट वाज द पॉइंट आई वाज टेलिंग हरिप्रसाद जी व्हेन इट गॉट डिस्कनेक्टेड. यू आर टॉकिंग अबाउट स्टीव जॉब्स, दैट एवरीथिंग इज कनेक्टेड, एवरीथिंग एंड एवरी पर्सन इज कनेक्टेड. यस प्रवीण जी, इट्स अ रीजन एक्चुअली टू मीट पीपल. Yes. Without reason, nobody will be in your life. Yes. So, whatever you are today, आप जहां पर भी आपका जन्म हुआ है, जिस परिवार के अंदर आपने जन्म लिया है, so there is a reason for that. There is a reason. ये आपको सबसे पहले समझना होगा, because they say very well, अगर दुनिया को समझना है तो सबसे पहले आपको खुद अपने आप को समझना जरूरी होता है. When you understand yourself, when you understand your own body, you will be able to understand about health. When you understand about your own mind, you will be able to understand about the technology, how the mind works. So, usi tarah, the purpose, every human being will have a purpose. So, aapko us purpose ko, us reason jo hai, usko fulfill karne ke liye, logon ko ek opportunity dena hoga. Aur main aapko ek important point yahan par batana chahta hoon. बहुत सारे लोग हैं. आई वॉन्ट टू सी द गैलरी, वन सेकेंड, आई एम सीइंग ऑल ऑफ यू. तो आप मुझे बताइए कितने लोग हैं यहाँ पर जो डायमंड बनना चाहते हैं. हाथ ऊपर करिए. ओके एवरीबॉडी. निखिल दुबे दिल्ली. ओके रेजिंग द हैंड. लाल सिंह दो हाथ ऊपर कर रहे हैं. वेरी गुड. परिश्मिता बोरा फ्रॉम असम. यस गौहर मैडम बैंगलोर से भी टीचर जी. राइट. मधु कन्नड़ा शिमोगा. तबासु मैडम शरद. ओके गुड. सो सभी लोग हाथ ऊपर कर रहे हैं. तो एवरीबॉडी वॉन्ट टू बिकम अ डायमंड. राइट. सो आपको मैं आज एक सीक्रेट बताता हूँ. दिस इज अ रियली रियली किलर साइकोलॉजी. अगर ये साइकोलॉजी आपके अंदर है, this will make your journey so smooth.
एंड यू विल रियली रियली एंजॉय. मैं आपको बताता हूं. सी फॉर एग्जाम्पल, आपको डायमंड, मैं आपको एक सच बता रहा हूं, ओके, प्लीज रिमेंबर दिस, आपको डायमंड बनने के लिए जितने भी लोग चाहिए वो लोग ऑलरेडी 20, 30, 40 साल पहले इस धरती पर आ चुके हैं. पॉइंट नंबर वन, दिस इज अ किलर साइकोलॉजी. मैं आपको बता रहा हूं, किलर साइकोलॉजी. ये आपको, आपको ये फिलॉसफी अगर आपके माइंड में होगा तो बहुत ही आसान होगा. सी आई वॉज बॉर्न इन 1981, लेकिन मुझे ब्लैक डायमंड बनने के लिए अगर हरिप्रसाद जी की जरूरत है, हरिप्रसाद जी का जन्म 1981 से पहले हो चुका था. So I had to make Praveen ji as a sapphire to become as a black diamond. So Praveen ji, were you born before 1981? Yeah, before 1981. Yes. So my dear friends, mera point yehi hai. When I say about Hariprasad ji, when I talk about Rudresh ji or Francis Hari Praveen ji or Arun Jyoti Deka, Manas, anybody for that matter, Sharavan, मुझे ये 100% मेरे अंदर ये belief है, ये कहता है कि मुझे डायमंड बनने के लिए जो चाहिए वो रिसोर्स ऑलरेडी है, वो ऑलरेडी तैयार है. एज सिंपल एज द मूवी KGF. आपने अगर KGF मूवी देखा होगा, yes. जिस दिन कृष्णा राजप्पा बैरिया, राजा कृष्णप्पा बैरिया जो रॉकी, जिसका जन्म हुआ उसी दिन ऑलरेडी KGF में, जब मैसूर में उसका जन्म होता है, KGF में उसी साल गोल्ड माइन का पता लगाते हैं 1951 में. एग्जाम्पल में बोल रहा हूं, उस स्टोरी की कहानी, मतलब KGF को लेकर अगर हम सोचेंगे, दैट मींस इवन बिफोर यू आर बॉर्न व्हाट यू वांट द रिसोर्स इज ऑलरेडी देयर. इस कुदरत के अंदर, इस दुनिया के अंदर वो पूरा रिसोर्सेस ऑलरेडी उपलब्ध है. ये सिर्फ आपको डायमंड बनने के लिए नहीं है, मैं आपको, आई एम टेलिंग यू द फैक्ट, सिर्फ डायमंड बनने के लिए नहीं, मिलियनर बनना है, मल्टी मिलियनर बनना है, बिलियनर बनना है, जो भी आप बनना चाहते हैं, आपका जो रिसोर्स है वो आपके जन्म से पहले ही तैयार है. दिस इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ, दिस इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ. अगर इस फिलॉसफी को आज इस दिमाग में, जो मुंबई के लैंग्वेज में हम कहते हैं ना कोपड़ी में, इस कोपड़ी में अगर ये लगा लिया, अगर ये चीज अगर दिमाग में लगा लिया, तो आपको इस दुनिया में कोई भी इंसान आपको हरा नहीं सकता, कोई भी हरा नहीं सकता. सो प्रोस्पेक्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग दैट इन द पीपल. तो आपको डायमंड बनने के लिए जो लोग चाहिए वो ऑलरेडी हैं. अरे सर, फिर मैं डायमंड क्यों नहीं बन रहा हूं? यही तो कमाल है इस खेल का, कमाल यही है. आपको अर्जुन बनना होगा. जब आप अर्जुन बनेंगे, श्री कृष्ण परमात्मा भगवान, अगर ईश्वर या कुदरत, आपकी सारथी बनकर आना ही पड़ेगा. तो लोग कहते हैं भगवान मेरे मदद करो, मुझे सपोर्ट करो, मुझे मुझे कुछ हासिल करना है, और कुदरत कहता है, ऊपर वाला कहता है, तो पहले तुम अर्जुन बनोगे, तब जाके कृष्ण भगवान को भी आपकी सारथी बन के आना पड़ेगा. इन द महाभारत, इट इज अ डिपिक्शन, इट इज अ, यू नो, एनालॉजी ऑफ कृष्णा बीइंग द चैरिएटर ऑफ अर्जुना. तो इसका मतलब कृष्णा द द यू नो द इन महाभारत इट्स द डिपिक्शन ऑफ द गॉड अवतार, ही इज कमिंग एज अ चैरिएटर. इसका मतलब आप हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, सिख हो, किसी भी धर्म के हो, मैं आपको यही बताना चाहता हूं, if you become Arjun, yani if you become sharp, if you are focused, puri kainat tumhari jo dream hai, aapki jo dream hai, use tum tak pahunchane mein ya tumhe us tak pahunchane mein lag jati hai. So you have to first understand this. Krishna ko apni sarathi banne ke liye bulane se pehle aap khud Arjun banoge, to then you will be able to access, you will be able to access the divine power, the super power, the turbo engine. Jab aapka capacity khatam ho jata hai, turbo engine ka capacity on ho jata hai. So prospecting is a process of discovering the real need in the people and helping them to
अनफोल्ड देयर पर्पस इन देयर लाइफ. जब बहुत सारे लोगों का जो पर्पस होता है वो जब पूरा होते ही जाता है और उसके लिए जो आप मदद करेंगे, सो ऑटोमेटिकली योर पर्पस, योर ड्रीम एंड योर गोल एंड योर एस्पिरेशंस, एवरीथिंग कैन बी वेरी 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 इजीली अचीव. सो मैं आपको यही बताना चाहता हूं, सो प्रोस्पेक्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग पीपल टू डिस्कवर their journey, their purpose in their life. And उसके लिए आपको सबसे पहले ये सोचना होगा, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, please write it down, जो एक लिख लीजिए, आपको मैं बता रहा हूँ, whatever you are searching is also searching for you. जिस चीज की खोज आपके मन में है, जिस चीज की तलाश आप कर रहे हैं, उस चीज को भी आपकी तलाश है. वेरी सिंपल. आई वॉज लुकिंग फॉर समबडी टू बिकम, यू नो, आई वॉज लुकिंग फॉर सम पीपल सो दैट आई कैन बिकम अ डायमंड. एंड मेनी पीपल वर देयर, दोज हू आल्सो वांटेड टू बिकम डायमंड. जब मिलन होता है, जब मिलन होता है दोनों का, देन द सक्सेस कम्स. सो कुदरत का खेल ये कहता है कि बिफोर you become successful, you have to finish the puzzle. And Steve Jobs says, everything is connected. 2018 में Tony Robbins के प्रोग्राम में मैं गया था अपने ड्रीम्स को लेकर, अपने सक्सेस को लेकर. लेकिन मुझे पता नहीं था वहां पर एक आदमी मुझे मिलेंगे जो मेरे टीम में फ्यूचर में एक बहुत बढ़िया लीडर बनेंगे. That's where I met Mr. Arjun, who is a King Circle member today in my team. तो in 2020 जो मेरे टीम में किंग सर्कल मेंबर जो बना मिस्टर अर्जुन, उनसे मुलाकात मेरा हुआ था 2018 में. सो इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस. सो जिन लोगों को आज आप जानते हैं, यू हैव टू टेक दिस वेरी वेरी सीरियसली. एंड डोंट हैव एनी प्रीजजमेंट, डोंट हैव एनी फियर, डोंट हैव एनी डाउट हियर. ये सब कुछ नेगेटिव इमोशंस होता है, वो सब कुछ आपके माइंड में होना नहीं चाहिए. यू जस्ट हैव टू थिंक, मैं इस दुनिया में आया हूं, मैं कुछ बढ़िया हासिल करना चाहता हूं. एंड योर इंटेंशन हैज टू बी वेरी वेरी क्लियर. मैं आपको बताता हूं, जिस रास्ते में जब आप जाते हैं, व्हेन यू आर ट्रैवलिंग इन टुवर्ड्स योर सक्सेस, टुवर्ड्स योर अचीवमेंट, टुवर्ड्स योर गोल, जब आप जाते हैं, आपके माइंड में जो इंटेंशन है, अगर उसके अंदर क्लैरिटी है और पावर है, अगर उसके अंदर बहुत बढ़िया एक इंटेंशन है, सो द एंटायर वर्ल्ड, द यूनिवर्स विल कॉन्स्पायर एंड सपोर्ट यू. सो आपका इंटेंशन जो है, प्लीज चेक योर इंटेंशन. अगर आपका इंटेंशन है मैं एक डायमंड बनूंगा और सब लोगों के सामने जाके मैं एकदम अहंकार से, एकदम एरोगेंस से मैं बात करूंगा, अगर इस तरह का सोच आपके माइंड में है, तो आपको कभी डायमंड बनने का चांस ही नहीं मिलेगा. ऐसे लोग आपसे कनेक्ट नहीं होते. यदि आपके माइंड में ये विचार है, आई वॉन्ट टू बिकम अ डायमंड ताकि मैं बहुत सारे फैमिलीज को सपोर्ट कर सकता हूँ, बहुत सारे लोगों की लाइफ में, बहुत सारी जिंदगियों में मैं खुशियां बांटना चाहता हूँ, चेहरे पे मैं स्माइल बांटना चाहता हूँ, लोगों के पॉवर्टी, जो गरीबी जो है, वो मिटाना चाहता हूँ, बहुत सारे गरीब लोगों को अमीर बनाना चाहता हूँ. इस तरह का अगर, इस प्रकार का अगर इंटेंशन आपके माइंड में है, वो इंटेंशन आपका सबसे बड़ा ताकत बनेगा. क्योंकि जब आप गुजरते हैं इस रास्ते से, देयर विल बी मेनी 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 चैलेंजेस. सो फर्स्ट थिंग, कीप योर इंटेंशन वेरी क्लियर. आज के बाद यू आर नॉट बिहाइंड कैचिंग पीपल, यू आर नॉट बिहाइंड चीटिंग पीपल, यू आर नॉट बिहाइंड मेकिंग मेंबर्स, राइट? मेंबर बनाने वाला काम नहीं है. तो यू आर हियर टू हेल्प पीपल. तो ये खेल इतना बढ़िया खेल है, द एंटायर गेम इट्स वेरी वेल डिजाइंड बाय द ऑलमाइटी, द यूनिवर्स. आप इस दुनिया में आएंगे, आपके लिए जो रिसोर्स चाहिए, आपके सामने जो ड्रीम है, उस ड्रीम को साक्षात्कार करने के लिए, उसे रियलिटी में बदलने के लिए जो रिसोर्स चाहिए, वो आपके सामने इर्द गिर्द आपके सराउंडिंग में वो रखा गया है, लेकिन आप उसे देख नहीं पाते हैं अपने दोनों आंखों से. लेकिन अपने इंटेंशन को अगर क्लियर किया, उसको अगर आपने रीसेट किया, तो ऑटोमेटिकली आप उन सारे चीजों को आप देख सकते हैं, पहचान सकते हैं. सो रिमेंबर दैट प्रोस्पेक्टिंग इज अ प्रोसेस विच विल हेल्प यू टू कंप्लीट योर सेल्स वेरी वेरी इफेक्टिवली. एंड स्मार्ट प्रोस्पेक्टिंग, अगर आपके अंदर वो प्रोस्पेक्टिंग की जो, क्या बोल सकता हूं मैं, वो एक कला, एक आर्ट अगर आपके अंदर है, तो ऑटोमेटिकली यू विल बी वेरी वेरी इफेक्टिव इन सेल्स क्लोजिंग. सो आज के बाद सेल्स क्लोजिंग पे ध्यान देना, लेकिन उससे ज्यादा ध्यान देना है
प्रिपरेशन पर, प्रोस्पेक्टिंग पर। आपकी टीम में अगर किसी का ज्यादा सेल्स क्लोजिंग नहीं हो रहा है, वो व्यक्ति आपको कह रहा है कि सर मैं बहुत लोगों को अप्रोच किया लेकिन सेल्स क्लोजिंग नहीं हो रहा है, इसका मतलब है वो इंसान अपने हाथों में हाइब्रिड सीड्स लेकर उसको जाके पत्थर पे फेंक रहा है, कहीं सड़क पर फेंक रहा है, कहीं किसी इस तरह की जमीन पे फेंक रहा है जहां पर कोई पानी नहीं है, जहां पर कोई मैन्योर नहीं है, गोबर नहीं है, वहां पर वो हाइब्रिड सीड्स जो है उसे फेंकता है। ऐसे फेंकने से कोई बंदा खेती नहीं कर सकता है, फार्मिंग नहीं कर सकता है। बिल्कुल फार्मर्स के जैसे जो उस जमीन को एकदम सा तैयार करते हैं, उस जमीन को तैयार करने के बाद उनके पास जो हाथ में होता है रिसोर्स द सीड्स, उससे वहां पर जाकर वो सो करते हैं, उसको बोते हैं ताकि वो उस जमीन पे फर्टाइल लैंड पे बहुत बढ़िया एक फसल भी उनको दे। उसी तरह आपको भी सोचना होगा कि आई एम ऑल्सो अ फार्मर। और लोग जो होते हैं, प्लीज राइट इट डाउन, एवरी पर्सन इज अ सीड, एवरी पर्सन इज अ सीड एंड द सीड हैज द पोटेंशियल इनसाइड। अगर एक बीज अगर आप हाथ में लेकर देखते हैं तो उस बीज के अंदर क्या दिखता है आपको, व्हाट डू यू सी इनसाइड द सीड? उस बीज के अंदर शायद एक 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 पौधा, एक पेड़ आपको दिखता है, वन ट्री, यू कैन सी एन एप्पल ट्री, मे बी इन एन एप्पल सीड। एक एप्पल बीज को लेकर जब आप देखते हैं उसके अंदर आपको एक एप्पल पेड़ दिख सकता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं उस एप्पल पेड़ के अंदर हजारों एप्पल है और उस हजारों एप्पल के अंदर हजारों बीज है और उस बीज के अंदर और भी पेड़, और भी बीज, और भी पेड़। इस प्रकार से जब आपके हाथ में एक बीज होता है उस बीज के अंदर पूरा अरण्य, एक फॉरेस्ट, आप एक पूरा जंगल या एप्पल फॉरेस्ट आप उस बीज के अंदर आपको देखना पड़ेगा। तो दिस इज द पोटेंशियल ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग, दिस इज द पोटेंशियल ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। सो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग पीपल फॉर सीइंग द प्लान, मेक श्योर दैट यू आर गिविंग द प्रॉपर प्रिपरेशन, जस्ट लाइक अ फार्मर, प्रिपेयर द माइंड ऑफ द पर्सन, उस व्यक्ति का जो माइंड है उसको प्रिपेयर करिए। मेंटल प्रिपरेशन इज वेरी क्रूशियल व्हेन यू आर शोइंग द बिजनेस प्लान ऑफ इंडस्ट्री, उसको तैयार करिए, उसको तैयार करिए। फॉर एग्जाम्पल, मेक हिम रेडी, हाउ कैन यू मेक हिम रेडी? यस्टरडे अभिलाष जी वॉज टेलिंग वेरी ब्यूटिफुल पॉइंट, मैं आज आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं। प्रोस्पेक्टिंग का सबसे आसान तरीका आज आपको मैं बता रहा हूं, प्लीज रिमेंबर दिस। अगर आप यूट्यूब पर जाएंगे सो देर इज अ स्टोरी कॉल्ड पैराबल ऑफ द पाइपलाइन। पैराबल ऑफ द पाइपलाइन एक छोटा एक कहानी है, एनिमेटेड स्टोरी है, जिसको बर्क हेजेस, वन ऑफ द नेटवर्क मार्केटिंग लेजेंडरी लीडर, उन्होंने बनाया। बर्क हेजेस, ही इज ऑल्सो एन ऑथर, उन्होंने पैराबल ऑफ द पाइपलाइन एक बहुत ही खूबसूरत एक कहानी उन्होंने बनाया। आज से प्रोस्पेक्टिंग के लिए उस कहानी को आप यूज कर सकते हैं, या तो खुद वो कहानी लोगों को सुनाएं प्रोस्पेक्टिंग के लिए, या तो वो लिंक जो है यूट्यूब पे अंदर, जब आप इंग्लिश पैराबल ऑफ द पाइपलाइन या हिंदी पैराबल ऑफ द पाइपलाइन, अलग अलग लैंग्वेजेस, असामीज में बनाया गया है, बंगाली में है, उर्दू में है, मतलब अलग अलग लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज आप चाहते हैं, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कुछ भी लैंग्वेज, मराठी, कोई भी लैंग्वेज हो सकता है, उस लैंग्वेज में वो पैराबल ऑफ द पाइपलाइन वीडियो यूट्यूब पर है, किसी ने बना के डाल दिया है। आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, उसका लिंक लेना, और जिस दोस्त को आप बिजनेस प्लान शेयर करना चाहते हैं, जिसका नाम आपके लिस्ट में से शॉर्ट लिस्ट हो गया है, उस व्यक्ति को आप वो लिंक देना पैराबल ऑफ द पाइपलाइन। उसको कहना, रवि भाई मैं तुमसे कुछ सीरियसली बात करना चाहता था ना, उससे पहले ये वीडियो थोड़ा सा देख लेना। या तो उसको प्रिपेयर करके मेंटली थोड़ा सा फिर वीडियो देके फिर प्लान दे सकते हैं, या वीडियो देके फिर प्रिपेयर करके फिर प्लान दे सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन आपके ऊपर डिपेंडेंट है, उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर पैराबल ऑफ द पाइपलाइन अगर आपने दिया उनको, तो वो पैराबल ऑफ द पाइपलाइन देखते हैं। मतलब इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं बकेट कैरियर्स, एम्प्लॉई एटीट्यूड, दूसरा होता है पाइपलाइन बिल्डर्स, नेटवर्क मार्केटिंग पीपल, नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल्स। सो उस वीडियो को अगर जब आप देंगे तो मेंटली आदमी प्रिपेयर हो जाता है बिजनेस प्लान को देखने के लिए। मतलब अगर किसी ने उस वीडियो को देखा एंड ही अंडरस्टूड दैट वीडियो, अगर वो वीडियो उसको समझ में आया, तो मुझे मैं आपको कह सकता हूं 80% सेल्स क्लोजिंग पक्का है।
सेल्स क्लोजिंग पक्का हो सकता है, बिकॉज उस वीडियो को देखने से आदमी को खुद उनका माइंड ओपन हो जाता है कि दैट आई शुड नॉट बी ए बकेट कैरियर, आई शुड बी ए पाइपलाइन बिल्डर. सो यूज दिस. मतलब मेरा कहना यही है कि प्रिपरेशन ऑफ द पर्सन लाइक द फर्टाइल लैंड, जमीन को जिस तरह एक मतलब खेती जब करते हैं किसान, वो जमीन को कैसे वो तैयार करते हैं, वैसे लोगों की तैयार करके फिर अगर हम इफ यू ट्राई टू सो समथिंग, हर एक व्यक्ति जो है वो एक बीज के जैसे है जिनके अंदर एक पूरा फॉरेस्ट, एक जंगल बनने का ताकत और पोटेंशियल एक बीज के अंदर होता है. ये कुदरत का कमाल है, ये कुदरत का कमाल है. एंड अगर अदर अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट यू आर सर्चिंग इज ऑल्सो सर्चिंग फॉर यू. प्रेम वॉज सर्चिंग फॉर मिस्टर रुद्रेश, एंड रुद्रेश ऑल्सो वॉज सर्चिंग फॉर मिस्टर प्रेम. प्रेम वॉज सर्चिंग फॉर मिस्टर हरिप्रसाद, हरिप्रसाद ऑल्सो वॉज सर्चिंग फॉर प्रेम. प्रेम वॉज सर्चिंग फॉर सैयद फ्रांसिस हुसैन या अरुण ज्योति देखा, एंड अरुण ज्योति देखा एंड फ्रांसिस ऑल्सो वॉज सर्चिंग फॉर मी. आई वॉज सर्चिंग एवरीबडी. जो वॉट एवर यू आर सीकिंग इज ऑल्सो सीकिंग यू. जिस चीज की तलाश में आप हैं वो आपकी तलाश पे भी है. और इस पूरा खेल जो है इसको ऐसे रचाया गया है, इसको ऐसे प्लान किया गया है कि आपको इस खेल के अंदर, इस गेम के अंदर एक खिलाड़ी बनना है, खिलाड़ियों का खिलाड़ी बनना है, सबसे बड़ा खिलाड़ी बनना है. ये पूरा अक्षय कुमार का फिल्म का टाइटल है. सो आप अगर इस प्रकार के एक खिलाड़ी बनेंगे इस खेल के अंदर, तो जरूर आप जीतेंगे. और जितना ज्यादा आप खेलेंगे उतना बेहतरीन आपका खेल होगा. जितना ज्यादा आप खेलते जाएंगे उतना बेहतरीन आप एक खिलाड़ी बन पाएंगे और बहुत बढ़िया खेल आप कर सकते हैं, खेल सकते हैं. और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इस प्रोसेस को अगर आपने पहले से प्रॉपरली अगर आपने तैयार किया, फिर उस व्यक्ति को आपके अपलाइन के सामने आप बिठाया, तो अपलाइन का काम यूं ही बहुत ही आसान हो जाएगा. आपका सेल्स क्लोजिंग जो है वो एफर्टलेस हो सकता है, एफर्टलेस हो सकता है. सो रिमेंबर दिस, प्रोस्पेक्टिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ अ सेल. और अगर वो ठीक से किया हुआ है तो 80% ऑफ द person's mind if it is ready. So plan presentation dena aur uske baad sales closing karna bahut hi aasan ho sakta hai. So for today I think 8-5 we have discussed very very clearly about the process of prospecting. So in this webathon series jo aapke samne maine rakha yahan par, in this webathon series next week we will be talking about कैसे हम लोगों को इनवाइट करें, हाउ टू कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट. लोगों का बहुत अलग अलग टाइप का क्वेश्चंस होता है व्हेन यू इनवाइट समबडी, वो मतलब आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं. वो कैसे हम लोग फेस करेंगे, कभी कभी लोग अप्रोच करते हैं तो सामने से कोई कुछ ऐसे पूछता है कि हम वहां पर अटक जाते हैं. तो हाउ टू मेंटली बी एबल टू टैकल with the issues of invitation and contacting people, किस प्रकार से उनको हम approach करें. ये approach is very important. अभी मैं आज psychology of the approach मैंने आपको बात किया आज, the mindset या what should be there in behind your mind when you're approaching, उसके बारे में बात किया. Next week we'll be talking actually about the contact and invitation, जो one of the core area of your business साबित हो सकता है. क्योंकि ये एक process है दोस्तों, it's a very simple common sense process, लेकिन क्या कर सकते हैं हम लोग आजकल, common sense has become very very uncommon. And next week we'll be